जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में उत्तराखंड के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी शहीद हो गए। दोनों शहीदों के पार्थिव शव जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में चमोली के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल के प्रमोद नेगी शहीद हो गए। दोनों शहीदों के पार्थिव शव जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे जहां उन्हें श्रद्धांजलि व गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट से रुचिन सिंह रावत का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से उनके गांव ले जाया गया जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 30 वर्षीय रुचित रावत सत्र 2009-10 में सेना में भर्ती हुए थे। लॉन्स नायक रुचित सिंह के शहीद होने की सूचना मिलते ही पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर छा गई। जहाँ एक और हम सब लोगों के लिए आज दो पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं, हमारे प्रदेश के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी, दोनों के ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और उसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनों शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो ये आघात लगा है, असमय उनको एक बड़ा दुख उनके सामने आया है, उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। देखिए, उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। कोई भी घटना हो, कोई ना कोई जमाने हमारे यहाँ से शहीद होता है। आज हमारे चमोली के नायक रुचिन सिंह रावत और हिमाचल के प्रमोद नेगी जी, जिनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सलाम करने, उनको नमन करने यहाँ पर पहुँचे हैं। शहीदों का सम्मान करना और देशवासी का कर्तव्य है, और हमारी सरकार ने कहा है कि इनके नाम पर हम सड़क या विद्यालय के नाम पर बनाएंगे, और हमने यह भी तय किया है कि इनके परिवार के एक व्यक्ति को इसकी योग्यता के अनुसार नौकरी पुष्कर सिंह धामी की सरकार देगी। अभी तक हम 23 लोगों को नौकरी दे चुके हैं और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इन शहीद परिवारों के साथ। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।